उत्तर प्रदेश के अमरोहा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। होटल पर काम करने वाले युवक ने एक 12 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म किया और उसे बेहोशी की हालत में घर छोड़कर फरार हो गया। करीब 10 घंटे के बाद मासूम को होश आया, तब उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला अमरोहा जनपद के थाना गजरोला पुलिस चौकी क्षेत्र में फाजलपुर रेलवे क्रॉसिंग के निकट का है, जहां एक चिकन का होटल स्थित है। गजरोला का एक निवासी 12 वर्षीय मासूम इस होटल पर बर्तन साफ करने का काम करता है। रोजाना की तरह सुबह वह 8 बजे होटल पर गया। आरोप है कि होटल पर काम करने वाला युवक मासूम को बहला फुसला कर होटल के बेसमेंट में ले गया। यहां उसने उसके साथ कुकर्म किया, जिससे वह बेहोश हो गया। बेहोश होने पर युवक मासूम को उसे घर छोड़ाया और परिजनों से शराब पीने की बात बताई। रात करीब 10 बजे जब बालक को होश आया तो उसने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिससे परिजनों के होश उड़ गए। परिवार वालों ने थाना जाकर पुलिस को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद से पुलिस ने कुकर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा जांच में जुट गई है। वहीं पीड़ित मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गजरोला थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ, सर क्या है पूरा मामला? ये गजरोला थाना क्षेत्र में एक 377 IPC तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें पीड़ित पक्ष एक 13 वर्ष का बालक है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। क्या सर, ये लड़का कहाँ काम करता था, ये बताया जा रहा है होटल में काम? अब ये सब विवेचना में प्रकाश में आएगा कि कहाँ काम करता था। उसके शिकायत पर जो दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। ठीक, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।